दोस्तों, वेलकम टू एस टेक में आपका स्वागत है। अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि रियलमी 10 प्रो प्लस और वीवो V25 में कौन सा फ़ोन खरीदें, तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। आप ये वीडियो पूरी देखेगा, आपके सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा। बात इनकी बिल्ड क्वालिटी से करें तो वीवो वाला जो फ़ोन है वो आपको ग्लास बैग के साथ मिलता है और रियलमी वाला आपको प्लास्टिक बैग के साथ मिलता है। ये दोनों ही फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, प्रीमियम लगते हैं। वीवो में एक कलर चेंजिंग वाला ऑप्शन भी दिया गया है, जिसके कारण इसका बैक कलर चेंज करता है लाइट के अनुसार। वहीं अगर रियलमी की खासियत की बात करें तो इसमें आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। ये अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर चाहिए, सामने से अच्छा दिखने वाला मोबाइल चाहिए या फिर बैक से ज़्यादा। अगर बैक वाला चाहिए तो आप वीवो की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर आपको फ्रंट से ज़्यादा अच्छा लुकिंग वाला फ़ोन चाहिए तो आप रियलमी की तरफ जा सकते हैं। और बात करें इसके परफॉर्मेंस और प्रोसेसर की, तो दोनों फ़ोन में ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, क्योंकि वीवो में मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 वाला प्रोसेसर, वहीं रियलमी में मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 वाला प्रोसेसर। दोनों ही प्रोसेसर काफ़ी अच्छे हैं, डे टू डे लाइफ में आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। पर फिर भी अगर आपको एक चूज़ करना है तो मेरे हिसाब से आप रियलमी वाला चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा दी गई है और साथ ही में इसका एंटीटू स्कोर भी ज़्यादा आता है वीवो वाले से। बात इनकी बैटरी की करें तो रियलमी में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, प्लस 67 वोट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाता है। वहीं अगर वीवो की बात करें तो इसमें आपको 45 mAh की बैटरी मिलती है और साथ ही में 44 वोट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। अगर बैटरी और फास्ट चार्जिंग के मामले में बात करें तो रियलमी वाला आगे निकल जाता है। आपको बेटर बैटरी चाहिए और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए तो आप रियलमी की तरफ जा सकते हैं। बात इनके कैमरा ही करें तो दोनों ही फ़ोनों में आपको पीछे ट्रिपल रेयर कैमरा मिल जाते हैं। वीवो की बात करें तो वीवो में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिल जाता है। वहीं अगर रियलमी की बात करें तो इसमें आपको 108 वाला मेन कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर मिल जाता है। कैमराज के मामले में वैसे दोनों काफ़ी अच्छे हैं, पर अगर आपको एक चूज़ करना है तो मेरे हिसाब से आप वीवो वाला सुनिए, क्योंकि वीवो में ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आती हैं। साथ ही में इसमें आपको OIS और AIS दोनों का सपोर्ट दिया गया है। वहीं रियलमी में आपको OIS का सपोर्ट नहीं मिलता, इसमें सिर्फ AI का सपोर्ट मिलता है। वहीं अगर इसकी सेल्फी की बात करें वीवो वाले की, तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है और रियलमी में भी 60 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। सेल्फी में भी वीवो वाला ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे हिसाब से कैमरा के लिए आपको फ़ोन चाहिए तो आप वीवो वाला चुनिए। बात इनके OS की जाए तो रियलमी 10 प्रो प्लस में आपको एंड्रॉयड 13 मिलता है, वहीं वीवो V25 में आपको एंड्रॉयड 12 मिल जाता है। अगर दोनों में चूज़ करना हो तो मेरे हिसाब से रियलमी 10 प्रो प्लस को चुनिए, क्योंकि इसमें आपको एंड्रॉयड 13 मिलता है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड का। वहीं एंड्रॉयड 12 अब पुराना हो चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी डिस्प्ले। तो वीवो वाले में आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं अगर रियलमी 10 प्रो प्लस की बात करें तो इसमें आपको 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और रियलमी में आपको कर्व डिस्प्ले भी मिल जाती है। तो अगर डिस्प्ले के मामले में देखें तो रियलमी वाला काफ़ी आगे निकल जाता है। रियलमी में आपको नई डिज़ाइन की डिस्प्ले मिलती है और साथ ही में रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो मेरे हिसाब से आप रियलमी की तरफ जा सकते हैं अगर आपको एक बेटर डिस्प्ले चाहिए तो। ये दोनों ही फ़ोन वैसे तो 5G को सपोर्ट करते हैं, पर रियलमी में आपको ज़्यादा बैंड मिलते हैं। इसमें आपको 13 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, वहीं वीवो में आपको सिर्फ 5 बैंड दिए गए हैं जो कि 5G को सपोर्ट करते हैं। तो आपको एक बिल्कुल ट्रू 5G वाला फ़ोन चाहिए तो आप वीवो की तरफ ना जाकर रियलमी की तरफ जाइए। रियलमी में आपको बिल्कुल 5G सपोर्ट मिलेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी 5G इस्तेमाल करने में। जो नॉर्मल फीचर होते हैं वो तो दोनों में आपको एक जैसे ही मिल जाते हैं, पर कुछ अंतर भी मिलता है। जैसे वीवो वाले में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, रियलमी में आपको स्टेरियो स्पीकर मिल जाते हैं, और दोनों में आपको हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है। बाद इनकी प्राइसिंग की करें तो रियलमी 10 प्रो प्लस आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मिल जाता है 27,000 में, वहीं वीवो V25 आपको 8GB रैम और 128GB वाला मिलता है 28,000 में। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है, वीवो V25 या रियलमी 10 प्रो प्लस। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।